सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 57,900 रुपए है। बीते दिन 57,800 कीमत थी। ऐसे में देख सकते हैं कि फिलहाल दाम में इजाफा हुआ है। लगातार 3 दिन से यही दाम बना हुआ है। वही 24 कैरेट सोने की कीमत आज 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 63,040 रुपए था और आज दाम में इजाफा हुआ है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 22 और 24 कैरेट सोने के दामों में भी इजाफा हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 57,900 रुपए है। राजधानी में 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 63,150 रुपए है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 24 कैरेट सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 63,150 है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 22 कैरेट सोने का दाम 57,900 है, वही 24 कैरेट 63,150 रुपए है। आगरा में 57,900 रुपए 22 कैरेट सोने की कीमत, वही 24 कैरेट सोने की कीमत 63,150 रुपए है। भारत में आज 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 77,500 रुपए खर्च करने होंगे। वही यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 किलो चांदी के भाव की बात करें तो ये कुछ इस तरह है। सिल्वर की दरों में लखनऊ में आज बदलाव हुआ है। आज 1 किलो चांदी का रेट 77,500 रुपए है, वही कल ये दाम 75,000 रुपए प्रति किलो था, यानी चांदी के दाम जस से तस है। ISO की बात करें यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। ज्यादातर सोना 22 कैरेट में बिकता है, वही कुछ लोग 18 कैरेट का इस्तेमाल भी करते हैं। कैरेट 24 से ज्यादा नहीं होता और जितना ज्यादा कैरेट होगा सोना उतना ही शुद्ध होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 22 और 24 कैरेट के सोने में क्या अंतर है। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्ध होता है। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर बनाए जाते हैं, जबकि 24 कैरेट सोना शानदार होता है लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए ज्यादातर दुकानदार 22 कैरेट में सोना बेचते हैं। लोग सोने को खरीदते समय उसकी क्वालिटी का ध्यान जरूर रखें। ग्राहक हॉलमार्क का निशान देखकर ही खरीदारी करें। हॉलमार्क सोने की सरकारी गारंटी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क का निर्धारण करती है। हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत संचालन नियम और रेगुलेशन का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, न्यूज़ नेशन।